तो चलिए बात करते हैं सीरियल उडारिया की। सीरियल उडारिया में फतेह और तेजो भारी बारिश में फंस चुके हैं। दोनों घर को तो निकले हैं लेकिन उनकी गाड़ी खराब हो चुकी है। ऐसे में फतेह गाड़ी को ठीक करने के लिए बाहर निकलता है। इसके पहले दोनों के बीच में पुरानी बातें हो रही थी, जहां पर तेजो कह रही थी कि तुमने कैसे एक बार मैंने जैस्मीन की साड़ी पहन ली थी तो मेरे ऊपर दूध फेंक दिया था। यहां पर फतेह जो है तेजो को अपनी पुरानी हरकतों के लिए माफी मांग रहा है और कह रहा है कि मुझे मारो तेजो, जितना मार सकती हूँ मारो, और लेकिन मुझे माफ कर दो क्योंकि मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता हूँ। इसके साथ ही साथ दोनों निकलते हैं गाड़ी ठीक करने के लिए। तेजो के पास एक छाता भी होता है लेकिन काम नहीं बनता है क्योंकि पूरी की पूरी गाड़ी में पानी घुस गया है। और ऐसे में फतेह को अपनी शर्ट निकाल कर गाड़ी की किसी चीज को ठीक करनी थी। ऐसे में आपको बताते चले कि शो में ये दिखाया जा रहा है कि जैस्मिन अपने घर से निकल गई है। उसने अमरिक को फोन भी किया है। अमरिक को फोन करने के बाद अमरिक पहुंच गया और कह रहा है लेकिन हम कैसे जानेंगे कि वो लोग कहाँ है। जैस्मिन कहती है कि कुछ भी हो हमें उन तक पहुंचना ही पहुंचना है। वेल, इसके बाद तेजो और फतेह इस बारिश के मौसम में बहुत करीब होते हैं, जहां तेजो का छाता भी तेज हवा की वजह से उड़कर चला जाता है, तो वहीं तेजो और फतेह बहुत नज़दीक होते हैं। बहुत ही प्यारा सा सीन आपको देखने को मिलेगा। लेकिन इसी दौरान तेजो को इस बात का ये होता है कि उन्हें घर भी लौटना है और कहीं फतेह को ठंड ना लग जाए। अब दोनों गाड़ी के अंदर बैठते तो ज़रूर है लेकिन इसके बाद उन लोग ये डिसाइड करते हैं कि घर पे फ़ोन कर देते हैं। घर पर फ़ोन करते हैं लेकिन नेटवर्क नहीं होता है। लेकिन फतेह अमरिक को एक मैसेज कर देता है कि वो कहाँ पर है और वो फंसा हुआ है। अब अमरिक को ये मैसेज मिलता है तो अमरिक और जैस्मिन को मालूम चल जाता है कि ये दोनों कहाँ हैं। वेल, इसके बाद आपको बताते चले कि ये दोनों दौड़ते भागते अमरिक और जैस्मिन पहुँचते हैं उस जगह पर, लेकिन उस जगह पर फतेह तेजो नहीं होते हैं, उनकी गाड़ी जरूर होती है। फतेह तेजो एक घर की ओर भागते हैं जो घर बंद पड़ा हुआ है। तेजो को याद आता है कि उसकी माँ ने कुछ खाने के सामान और कुछ नए कपड़े दिए थे अपने दामाद और अपनी बेटी के लिए। वो सब लेकर तेजो निकलती है फतेह के साथ और उस घर में दोनों अंदर इन करते। वो घर बंद है लेकिन के सहारे दोनों अंदर आते हैं और जैस्मिन भी दौड़ी भागी उसी घर के पीछे पीछे आ रही है। वो देख रही है कि आखिर ये दोनों कहाँ हैं। इस घर में तेजो और फतेह इन कर जाते हैं और इन करने के बाद इन दोनों के बीच की जो करीबियां हैं वो जैस्मिन जरूर देखने वाली है और इसके होश उड़ने वाले हैं, क्योंकि यहां पर सुनने में आ रहा है कि फतेह तेजो को किस करने वाला है। देखना दिलचस्प होता है कि शो में आगे और कौन से नए ट्विस्ट आते हैं।